जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था तब उन्होंने कहा था कि 45 दिनों के अंदर निवेशकों को उनके हक के पैसे उनके खाते में वापस किए जाएंगे। अब सरकार ने पैसे वापस करने के लिए प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये खुशी की बात है कि रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से 112 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए गए। सारा ग्रुप की हमारा सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहादिन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के जरिए निवेशकों ने निवेश किया था। पैसे नहीं मिल पाने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में सहकारिता मंत्रालय ने अर्जी दाखिल की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपए रिफंड करने का आदेश सुनाया। सारा समूह की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिनके माध्यम से निवेशकों ने निवेश किया जिन्हें पैसा वापस मिल सकेगा। इसमें से ऐसे लोगों को पहले रखा जाएगा जिनमें निवेश की मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो चुका हो। इनके बाद ऐसे निवेशकों को रखा जाएगा जिनका 10,000 रुपये तक का निवेश हो। 10,000 से ज़्यादा की राशि वाले निवेशकों को अभी 10,000 रुपये ही लौटाए जाएंगे। निवेशकों के पैसे अभी भी फंसे हुए हैं। काफ़ी समय से सारा के निवेश करने वाले निवेशक अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उनको उनका हक का पैसा मिल सके। पोर्टल को लॉन्च करने के कुछ समय में ही लाखों लोगों ने अपने पैसे को वापस पाने के लिए आवेदन भी शुरू कर दिया।